हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किरण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता। इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए बिना किसी देखे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देखे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में एवं विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता, नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद, यानी कि कई ऐसा होता है कि कभी कभी दो देशों के बीच विवाद है और ऐसे में वो कोई पहल नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके बीच में बातचीत कराता है, बैठ के बातचीत करते हैं, शांति से इस चीजों का समाधान निकालते हैं। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे हम सेकेंड पॉइंट की, युद्धों की रोकथाम में सहायक। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहीं ना कहीं जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ही कारगर रहता है। वह दोनों देशों को समझाता है और समस्या का युद्ध से ना हल निकाल के बल्कि बातचीत करके या फिर टेबल पर बैठ के बातचीत करके उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की इसमें जरूरत होती है। और अब बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की ओर, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहीं ना कहीं व्यापार और आर्थिक विकास में भी काफी सहयोग करता है। जो दूसरे पिछड़े देश होते हैं उनकी हेल्प करता है, सहायता करता है और रोजगार के स्तर को बढ़ाता है, व्यापार जगत में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है और भी कई स्किल के तौर पर कई सारे कार्य करते हैं, जिससे कि विश्व में आर्थिक विकास में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। और अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ पॉइंट की ओर, प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना। जी हाँ, प्राकृतिक आपदा में सूखा होना, आंधी तूफान या ज्यादा बारिश होना, भूकंप आना और महामारी का मतलब जो कि बहुत बड़े पैमाने पे जैसे प्लेग है, डेंगू है और आज के डेट में जैसे कि कोरोना है, तो उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें सभी देशों को लेके एकजुट होकर काम करना होता है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है फिफ्थ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। जी हाँ, इसमें कोशिश अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात होती है कि सहयोग बढ़ाना, भाईचारा बढ़ाना, मित्रता बढ़ाना, व्यापार और अन्य चीजों में भी आपसी सहयोग देना। तो ये एक तरह से राष्ट्रीय संगठन की बहुत बड़ी एक उद्देश्य होता है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमारे हमें आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे हम छठे पॉइंट की ओर, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। लगातार, जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार जो मात्रा है पृथ्वी में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का एक हम शिकार होते जा रहे हैं, जिससे कि पृथ्वी में लगातार टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे ग्लेशियर और हमारी नदियां लगातार सूखते जा रही है या पिघलते जा रहे हैं, जिस वजह से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तो किसी एक देश की इसमें भूमिका नहीं है, बल्कि सभी देशों को एकजुट होकर इस पे काम करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना होगा, प्रदूषण की मात्रा को कम करना होगा, साथ में वृक्षों को यानी कि पेड़ पौधों को लगाना होगा, तभी हमारे जो वैश्विक ताप वृद्धि से हम निपट सकते हैं। और ऐसे के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। आशा करता हूँ मित्रों कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।